जी एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बख्याता तास चरण लै हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो तास चरण लै हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो गुरु नानक परशोत्तम परंपरा वरना जुगल चार मम बंदना तर पर तर करमा परम सत्कार योग सतगुरां दी साजी और निवाजी सतगुरु जी का खास रूप गुरु खालसा सतसंग जी फतेह दी सांझ पाओ फतेह बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वैसे फतेह इन्नी औखी तो नहीं जिहड़ी बुलाई ना जावे, चलो फिर भी कई बार औखा होवे नहीं बुलाई जांदी, पर जिहड़ी जिब दित्ती है ना मारन इहदी वैल्यू तां पैनी है जे जिब नाल नाम ते गुरु दी फतेह उच्चारण होवेगी। कोई मुल नहीं लगदा, कोई खेचल नहीं करनी पैंदी, उंज आवाज बड़ी दूर तक जांदी, माइयां बोलदियां बड़ी दूर तक, फतेह क्यों नहीं आवाज निकलदी? फतेह बुलाया करो जे घर दी फतेह करवाउणी है, उच्ची आवाज विच बोलिया करो वाहेगुरु जी का वाहेगुरु जी की फतेह। अज पार ब्रह्म परमेश्वर धन 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 श्री गुरु नानक देव महाराज सर्वरे कायनात वालिया दो जहान समुची मनुखता दे रहबर अवतार पीरान पीर जगत गुर बाबा धन धन गुरु नानक देव महाराज जी दा ज्योति जोत दिहाड़ा है, जिस दिन महाराज ज्योति जोत समाए, जिस दिन महाराज शरीर दा त्याग करके सचखंड प्याना कर गए। भावें सदा ही अंग संग ने महाराज, सदा ही हाजर नाजर ने महाराज, दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेपूते सदा ही ने। सुसा संघ जी अज गुरु नानक देव महाराज दे ज्योति जोत ते आपां कथा सरवण करांगे। धन गुरु नानक देव महाराज ने जिन्ने परपकार किते ने कोई गिणी नहीं सकदा, उन्हां दा ऋणी होना, उन्हां दा धन्नवाद करना बड़ी दूर दी गल है। जिन्ने महाराज ने परपकार किते ने आपां गिणी नहीं सकदे। गुरु नानक देव महाराज जी अपनी छोटी जी आयु दे विच सारी दुनिया ते गए ने, हालांकि अवतार आए दुनिया ते हजारां साल वाले आए, इत्थे हजारां साल वालियां तो गल नहीं बनी, वो नहीं किसे दे भले वास्ते गए, उन्हां कोल ही आउणा पिया। धन गुरु नानक देव महाराज ने सारी पृथ्वी दा सत दीप नौ खंड महाराज गए, सिक्किम विच दस रहे सी महाराज दा स्थान, तिब्बत विच महाराज दा स्थान, अफगानिस्तान च महाराज गए, चीन च महाराज गए, भूटान च महाराज गए, श्री लंका विच महाराज गए, संगला दीप समुंदर उत्थे महाराज गए,
बड़ी दूर दूर जिथे जिथे जिथों तक दुनिया वसदी सी, ऐ कह लिए जिथों तक दुनिया वस, ते भुलिया होया नू मार्ग दिखाया। फिर ये नहीं कहा मेरे नाल जुड़ो, मेरा नाम जपो, मेरे सिख बनो। गुरु नानक दा इतिहास है, एक नू ही मारे ने कहा नीगा मेरा सिख बन गो। पखंडी जी अज वेख लो किवें साडे नाल जुड़ जो। गुरु नानक ने एक नू भी नहीं कहा मेरा सिख बन गो, जिहड़ा बनया अपने आप जो। जदों महाराज दे बचन सुने ना, हिरदा दरब गया, निहाल हो गया। महाराज अपना बना लो सानू, तुहाडे चरणां नाल लग के साडा जीवन का बेड़ा पार हो। बड़ी दूर दूर महाराज गए, जबलपुर, MP, असाम, बंगाल देश, धन गुरु नानक देव महा। अपने नेड़े भी आए, कुरक्षेत्र भी आए महाराज, पिहोवा भी आए महाराज, धन गुरु नानक देव महाराज। वारे वारे जाइए सतगुर सच्चे पातशाह तो, जिन्हां ने साडे भले वास्ते दिन रात करके जीवन का भला किया। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। ते लास्ट जीवन का समा महाराज इत्थे पहुँच गए करतारपुर। एक करोड़िया करोड़िया मल सेठ सी जिंदी ये जमीन सी जिथे महाराज रहे। महाराज इत्थे नगर वसाउणा चाहुंदे ने, भावें कईआं ने दोंदे दा भी नां लिया, पर बहुते विद्वाना ने भी नां लिया करोड़िए सेठ दा। ये देंदा तां नहीं सी जमीन, ये तो महाराज उत्थों उठाउणा चाहुंदा सी। जदों पहली वार आया पग लथ गई, दूजी वार आया अन्ना हो गया महाराज उठाउण वास्ते। इहदे सियाणे अलकर ने कहा, निम्रता धार के जा महाराज दे चरणां च, नीवें होके जा, उहनूं परवाह नहीं। दुनिया दे तख्त ताज बनाउण वाला है, तुम हो सब राजन के राज। इस करके जिन्हें घर नाल वादा कीता वह सुखी नहीं रहा कदी भी। फिर भुल बख्शी माफ़ी, फिर दिसन लग गया, फिर महाराज की कृपा उन्दे ते हुई। महाराज ने जीवन का बड़ा लमेरा समा इत्थे रह के जीवन का भला किया। इत्थे महाराज ने खेती कीती, इत्थे की दस्या गृहस्थ जीवन विच रहिंदियां काम कर करदियां खेती करदियां सिमरन भी हो जांदा है, भगती भी हो जांदी है, दान पुन भी हो जांदा है, परोपकार भी हो जांदा है, ते लंगर भी गृहस्थी चलाउणा चाहे तां चल सकदा है। ये दस्या कि कोई अज आखे असी गृहस्थी हाँ जी, कितने बच्चे मसां पाल हुंदे ने किते, ये तो महाराज ने आप दसता। फिर कई कहिंदे ने ना, काम कर बड़ा, भगती कितने, सिमरन कितने। गुरु नानक देव महाराज जी अमृत वेले भी इत्थे 2 बजे के लगभग सुचेत हुंदे, फिर दिन चढ़दा खेतां च जांदे ने। अज वर्गी खेती नहीं सी, मशीनी युग आ गया, जिदा आप बल्द जोग के महाराज हल आप फड़ के हल बनते सी। सच्चे पात 2 बल्द इंज जो लैने, हल नू फड़ के की जाना, तो फिर आप बनते होंगे महाराज। अज नहीं माड़ा जहा स्विच नपो तो मोटर नप्पण की भी लोड़ नहीं, आप ही दबिया जाता। तो महाराज खूह अगे ला के फिर गेड़ के खूह चो पानी कढ के खेतों नू सिंजदे होंदे सी महाराज। जे 20 साल पहला पिछे जाइए ना, 20-25 साल उदों नौकर भी बड़े घट रखते सी, आप ही घर दे जी लग के काम कर लिया करते। ये तो वेखण दीआं गल्लां ने। ते महाराज आप नदीन कढदे खेतां विचों, धन गुरु नानक देव महान दस्या है, नाम जपना है, किरत करनी है। फिर उत्थे करतारपुर च लंगर चलदा सी महाराज दा, वंड छकना है दस्या है। इस करके सत्संग जी हो सके, इन्हां महाराज दे सुनहरी बचना ते पहरा देना चाहिए।
किरत भी करनी है, नाम भी जपना है, तो लोड़ पैण ते गरीबां दी हैल्प करनी है लोड़वंदा वास्ते। कोई गऊ गरीब वास्ते भी भला करना है, कोई आके प्रशादे वास्ते बेनती करनी। एक बार इधरों कार सेवा वाले खनौरी तो आ गए सी महापुरश बाबा सुलखण सिंह दे सेवादार आनंदपुर सन। वो दोपहर का टाइम से सारे पिंड के अंदर बड़े से, किसी ने दरवाजा नहीं, कहिंदे एक बच्चिया ने खुलिया दरवाजा, कहिंदे वो कहिंदे तुहानूं घर घर जाण दी लोड़ नहीं, तुसीं एक थां बह जाओ, असीं सारिआं नूं बना के दे दिंदे आ। भावना गृहस्थियां वाली एवें दी होनी चाहीदी। उपमा करके गए फिर नगर दी, इत्थे भी छक के गए। इस करके साध संजीव धन गुरु नानक देव महाराज का लंगर भी चलता उत्थे, सवेरे शाम महाराज का दीवान लगता है करतारपुर साहब विखे, संगतां जुड़दियां निहाल हुंदियां ने। कहिंदे ने महाराज थोड़े जे समय दे विच 20,000 दे लगभग आबादी हो गई सी करतारपुर विच। इतिहासकार पढ़ते सी भाई सुतबीर सिंह नूं असीं, उन्हां लिखिया 20,000 दे लगभग इन्नी संगत उत्थे रहण बसेरा करन लग गई। वसाता करतारपुर, किंदे नां ते करतारपुर करता वसै संतन कै पास। करतार तां भावें आप ही ने कहा इत्थे ना किंदा रखना है, किंदे जिन्हें भेजा है जिंदी जमीन है करतार, अकाल पुरख जिंदी सारे हाथ दी तार हाथ विच है करतार। ते बड़ा सोहना लिखिया सच्चे पातशाह पंचम पातशाह ने करतारपुर करता वसै, कहिंदे आप वसदा करता करतारपुर दे विच संतन कै पास। बिघन ना को लागता गुर पैर दा, बिघन किवें लगे, कोई कष्ट किवें आवे जदों वाली दुनिया दा उत्थे वसदा है। सतसंग जी आ 1532 ईस्वी का समा आ गया। भाई लहणा जी जिन्हों का नाम पहला भाई लहणा, उपमा बड़ी सुनी जिन्ह के पिछे विचार करिए, तो इधर फिरोजपुर मत्ते दी सरां दा इन्हों का आगमन है। पिता फेरूमल जी पहला इन्हों के वडके पाकिस्तान में जिला गुजरात उत्थे रेंदे हुंदे सी, बाद विच इत्थे मत्ते दी सरां, मत्ते दी सरां तो फिर बाद हरी के पत्तन इत्थे भी दसदे ने इतिहास कर। फिर सतसंग जी तख्तमल चौधरी सी उन्दी भी नौकरी कीती महाराज दे पिता ने फेरूमल ने, बाबा फेरूमल जी ने। अणबण जी हो गई, उन्दियां 7 धीआं सी ते एक 7 पुत्र सी ते एक धी सी जिंदा नां वीरां वाली विराई, माता विराई। वो दस गुरु अंगद देव महाराज की भूआ लगती, खंडूर साहब व्याई सी, इत्थे भूआ नूं मिलन आई सी महाराज। भाई सतबीर सिंह ने लिखिया इत्थे भाई जोध सी गुरु नानक दा सिख, बड़ी उपमा सुनी, सवेरे अमृत वेले दर्शन होए सिख दे, बड़ी मन नूं सुकून मिलिया। ते सिख दे मुख तो बाणी फिर चुगली थोड़ा निकलदी निंदे, फिर सिख कहदा वो बहुते सिख फिर जदों इकट्ठे हुंदे ने इस तरह ही, वो सिखां वाला जीवन नहीं है, भला मंगना चाहिए। सिख जिहड़ी आपां अज बाणी पढ़ी है आसा दी बार, उहदा सलोक पढ़दा सी, जित सेवे सुख पाईए सो साहिब सदा संभालीए, जित कीता पाईए अपना सा घाल बुरी क्यों घालीए, मंदा मूल न कीचई दे लम्मी नदर ना हालीए, ज्यों साहिब नाल ना हारीए तेवे हा पासा ढालीए। ये पौड़ी सरवण कीती, बड़ा सुकून बड़ी ठंडक मिली गुरु की बाणी सुनी। किहड़े पातशाह दी बाणी है, कहिंदे जगत दे मालक जगत गुरु बाबा धन गुरु नानक देव, किथे वसदे ने करतारपुर। तांग बड़ी सी इन्हां दे पिता जी
देवी दे पाशक दसदे ने जम्मू कश्मीर च स्थान उत्थे जाया कर बड़े पक्के। गुरु अंगद देव महाराज भी जाते साल बाद कट्ठे होके आगू से इन्हां दे पिता जी सारी संगत दे जदों इस बार जा रहे सी तां बड़ी उपमा सुनी सी फिर आप घोड़े ते सवार होके इधर नूं आ गए। इत्थे तां फिर उही आ सकदा जिहने गुरु नाल पूरे नाल लिव है जिहड़ा जाणदा है घर की वड्याई वो ये घर का ही होके रह गया। सो सतसंग जी भाई लैणा जी घोड़े ते सवार ने आ रहे ने ते पुछदे ने आवाज दे के कोई आ रहा सी कोई कौन सी वो तां सतगुरु नानक देव महाराज जी खेतां चों आ रहे सी। मैं जगत गुरु बाबा धन गुरु नानक देव महाराज नानक निरंकारी जी के दर्शन करने हैं किहड़ा रस्ता जांदा उधर। महाराज कहिंदे असी लै चलदे हां कहिंदे वाग फड़ ली धन गुरु नानक किन्नी निम्रता महाराज दुनिया दे मालक वाग फड़ के आप अगे अगे जा रहे ने वह घोड़े ते चढ़िया। हालांकि गुरु तो उच्चा हो के नहीं चलीदा हुंदा पर पता नहीं है गल दा गुरु तो अगे भी लंघना ना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो माफ़ी मंग के अगे लंघना है माफ़ी मंग के महाराज मैनू माफ़ी दे दिओ इस तरह तुहाडा सत्कार अगे हो के करना कर दे ना प्रभाव करिया माफ़ी मंग के जाना ना कि वड्डे बन के। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो अगे नहीं लंघना ये गुरु के इतिहास तो सिख्या। एक दिन गुरु अमरदास महाराज चले जा रहे थे गुरु अंगद देव महाराज तुरदे तुरदे बाहां हिलदियां होंदियां ना ऐ बाह अगे हो गई महाराज महाराज ने वह बाह नूं सजा दित्ती तेरे तो अज तो बाद कम नहीं लवांगे मेरे गुरु की तुहीन की है। असी गुरु कोल आके इंज खड़ जन्ने असी गुरु कोल आके इंज खड़ जन्ने कैसा जीवन साडा होया पिया ये कोई जीवन नहीं सिखा वाला ये हंकार वाला जीवन है। गुरु कोल आके उपर नहीं बैठी जांदा कदी जिन्ना मर्जी तंग होइए गुरु तो गुरु ही है। इस करके सतसंग जी जज के सामने जज तो उच्चा कोई बह जाएगा नाले दुनियावी बंदा होंदा ये तो फिर दुनिया का मल कहिंदे तो उपर कौन बैठे ना करिया करो इहो जी भुल कदी भुल के भी ढाकां ते हथ रख के नहीं खड़ना गुरु दे कोल। साडे उस्ताद सानू बड़े झिड़कदे हुंदे इंज नहीं गुरु कोल खड़ी दंदा बैठ खड़न का नहीं पता तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को झिड़कदे हुंदे सी मार खाधी हुई है उस्तादां दी। महाराज कोल निम्रता विच रहना सच्चे पातशाह कोल जे खुशी लैनी है। इस करके पता नहीं सी आप घोड़े ते ने भाई लैणा जी ते महाराज अगे अगे तुर गए तो महाराज आप जाके मंजे ते बह गए उन्हें घोड़ा बन्निया तो महाराज मत्था टेकिया दर्शन किए निहाल तो होया पर एक रंग चढ़े एक उतरे एक रंग उठदा चेहरे का ओह मना बड़ी भुल करती तू तो बड़ी वड्डी अवग्या करती गुरु महाराज पैदल ते मैं घोड़े ते चढ़िया होया मैनू शोभा नहीं दिंदा सतगुरु का निरादर अवग्या। सतसंग जी गुरु भी कैसा जिन्हों पता ना हो जिन्हों दिल का ना पता हो गुरु भी कहदा। महाराज कह लगे भाई लैणा जिन्हों तुहाडा नाम की है कहिंदा महाराज लैणा महाराज कहिंदे लहने दे अर्थ पता की ने लैणा जिहड़े लैण वाले हुंदे ने ना वो घोड़े ते चढ़ के आया करदे ने देण वाले थले देण वाले नीवे होया करदे ने लैण वाले उपर ही चढ़ के आया करदे ने। गुरु नानक देव महाराज जाण गए सी ना अंदर दी भी इहदे अंदर की चलदा पिया। फिर सतसंग जी वो जिहड़ा संग गया सी देवी ते बड़िया गल्लां बनाईया घर जाके वह तो करतारपुर का ही होके रह गया वह तो करतार ही हो गया वह तो इंज हो गया माता जी नूं दसदे ने जा के गुरु अंगद देव महाराज दी महल
कथा करद्या नूं तां बहुत समा हो गया, असर पता नहीं कदों हुण होणा है। खैर तुसीं समझ गए होणे इशारा। इस करके गुरु नानक देव महाराज दे कोल रहे, सेवा कीती, थोड़े दिनों बाद फिर वापस गए, परिवार नूं मिले। इतिहास दसदा उदों बाबा दासू जी का जन्म हो गया सी। गुरु अंगद देव महाराज के घर पुत्र दासू बीबी अमरो का जन्म हो चुका। कुछ समा रहे फिर अपने भणेवे नूं सारा कारोबार दे के सौंप के इधर करतारपुर आउण दी तैयारी कर ली। जाना गुरु कोल जाना, खाली हाथ नहीं जाना। गुरु कोल जाइए नहीं जाना पैंदा, खाली हाथ जाना नहीं चाहीदा। सत्कार है गुरु महाराज, भावें फुल तोड़ के लियावे जे नहीं कुछ सरदा, रस्त लियावे कोई गुरु कोल नहीं माया, पर खाली हाथ नहीं गुरु कोल जाई। नूण दी पंड बन ली जिन्हों इतिहास च खिट्टी लिखिया कि वह खिट्टी जड़ी सी लूण दी सिर ते रख ली। रख के करतारपुर आए, माता सुलखनी जी मिले, पंड रख के नमस्कार कीती। महाराज किथे ने? खेतां च गए ने। सत बचन माता जी खेतां वल नूं तुर पिया, आप नवे बस्तर पाए हुए सी। महाराज नदीन पुट रहे सी, घा पुट रहे सी फसल विच। अज कल नदीन हो जाता जिवें जीरी दे विच, ते आप भी लग गए। महाराज मैनू भी आग्या दो, कपड़िया की परवाह नहीं की, जे गुरु की सेवा करके खुशी लैनी है फिर ये तो चीज़ा अणदेखियां करनिया पैंदियां। सारे कपड़े भर गए ते नदीन पुटदे पुटदे विच फसल भी पुटी जांदे ने। महाराज मुस्करा पे जदों वेख्या भाई लैने वाल मुस्करा पे, विच ही फसल पुटी जांदी। इस करके बाद विच दो पंडां तैयार होईयां। बैठे ने बजुर्ग, इन्हां नूं पता है नदीन जिहड़ा कढ़दे सी फिर पशुआं वास्ते लियांदे सी घर, तो पशुआं नूं पाया जांदा सी, वरतों च लिया जांदा सी। उह दो पंडां तैयार होईयां, एक गुरु नानक देव महाराज ने अपने सिर ते रखी, भाई सतबीर सिंह जी कहिंदे ने, एक भाई लहणे ने अपने सिर ते रखी। सारे कपड़े भर गए। जदों दो पंडा लै के करतारपुर आए ते पंडा तारियां, माता सुलखनी कहिंदी कोई आया गया, हर नाल ही इस तरह करदे हो तुसीं, देखियो किवें चिकड़ पिया, भार चुकाता पहला ही। वह तो पंड चुक के लिया, कि दूरों आया लूण की पंड लेके आया, तो हूँ लम्मा समा खर सफर करके आया, तो फिर जाके वो तुहाडे कोल गया, तुहाडे दर्शन करने वास्ते तुसी पंड चुका दी। असी गुरु घर जावांगे, चाबी नहीं मिली जी। क्यों? सौण वास्ते गए सी, हरिमंदर साहब गए जी, चाबी नहीं मिली। वाह सदके जाइए, सौण गया गद्दियां ते उत्थे तू एसी वाला कमरा नहीं मिलिया। खुशी लैन गया है, सेवा लैन गया, एक रात दो रात गया, दो रात सेवा कर लिया उत्थे जाके, की फर्क पैंदा? नहीं उत्थे भी गलती वेखनी गए सी। किते जाओ ये तरीके नाल, वड्डे वड्डे विद्वान जांदे ने, सारी सारी रात भांडे मांजदे रहिंदे ने, गुरु के प्यारे सिंह सरोवर ते ही परिक्रमा जी, जां किते बरांडे च थां मिली घंटा दो घंटे लग सीधा कीता। चलो किहड़ा रोज़ रोज़ आउणा है, साल च दो चार वारी आया, ये सफले कर लिए दिन सेवा करके। इस करके माता ने कहा पहला पंड चुक लिया, फिर पंड चुकाती। महाराज कह लेंगे दुनियावी पंड नहीं, सारी कैनात दी पंड, छत्तर झूलदा इन्हां दे सिर ते, छत्तर दिता सी छत्तर। ये चिकड़ नहीं, ये केसर दे छिटके ने कपड़िया दे उपर, बचन तो उदों ही करते। फिर एक दिन महाराज ने पर कीती गंदे नाले विच कटोरा, महाराज कहिंदे कढ के लियाओ। भाई लैणा जी कढ के लियाए,
सिक्ख्या दिती। जिहड़े पापां विच गरसे लोग ने, किसे बुरे का भला करना होवे, सत्संग जी बुरियाई लैनी पैंदी है। बुरे का भला करना होवे ना, उन्दे कोल अच्छाई की आस नहीं, बुरियाई की आस रख के बुरियाई लैनी पैंदी है। उन्हूं चिक्कड़ विच वो चिक्कड़ लगदा है, जिवें कटोरा कढ़न लग्या चिक्कड़ लग्या, इस तरह आने वाले समय में इन्ने जीवों का भला करना है जिहड़े इस चक्कड़ विच, विकारां दे चिक्कड़ विच फसे हुए ने। वो तुहाडे विच है समर्था, तुहाडे विच समर्था है, नाले बचन भी करी जा रहे ने महाराज, नाले प्रीख्या भी ले जा रहे ने। एक दिन फिर कहिंदे एक चूही मरी सी, जाणिया मन विच किते कान ते नहीं, हंकार ते नहीं, उच्ची जात दा मार कहणगे वह चूही मरी सट के आओ बार। भाई लैणा कहिंदा महाराज सत बचन, उच्ची जात दा अभिमान भी नहीं है। फिर कहिंदे एक दिन सियाल दे दिन सी, मीह पै रहा सी, ते धर्मशाला दी जिहड़ी जिथे महाराज संगत जुड़दी सी, बचन करदे सी, कीर्तन हुंदा सी, वह धर्मशाला दी कंध गिर गई। ते महाराज कहन लगे हुणे ही तैयारी करो। भाई लैणा जी ने कहा रात नूं हुणे ही सत बचन महाराज। महाराज कहणगे जदों धर्म दे विच थोड़ी जी भी ढिल पा दीए, वो अधर्मी बन जाएगा, कुकर्मी बन जाएगा। धर्म दे विच ढिल बर्दाश्त नहीं, ढिल नहीं। दसवें पातशाह ने कितने ढिल नहीं दी, जिहड़ी मर्यादा दी है ना खालसे नूं अमृतधारी ने, एक ककार की भी ढिल नहीं, भी माड़ा जा दूर को रख लो, कितने ढिल दी। अमरजेंसी है, ढिल नहीं। महाराज ने कितने आग्या नहीं दी भी अमरजेंसी भी होवे कितने, ना। जिहड़ा हुक्म है गुरु का हुक्म, तो जिहड़ा हुक्मां दी पालना करदे उहदे ते गुरु की कृपा। इस करके साध संगत जी कई मर्जी नाल ला लैंदे ने, मर्जी नाल पा लैंदे नाले अमृतधारी सिख ने। कितों छकिया, किन्हां ने आख्या सी, गल्लां नूं ध्यान च रखना चाहिए। इस करके हुक्म प्रणवत नानक, हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती, हुक्म मन्ने हुवै प्रवान तां खसमे का महल पाई सी। हुक्म मन लिए, हुक्म तो वड्डी कोई सेवा नहीं, ते उहनूं खसम दे महल विच थां मिलदी है। थोड़े मिनट होर कृपा करियो। कह लंगे गुरु अंगद देव महाराज ने कंध भी बनाई सियाल दी रुत्ते। उस तो बाद कहिंदे फिर एक दिन मार अद्धी रात हुई, कहिंदे भाई लैणा जी जा रावी ते जा, साडे कपड़े धो के लिया, कपड़िया दी पंड चुक लै सिर ते। अद्धी रात परख सत बचन महाराज, अद्धी रात सियाल दी रुत्त, जदों जाइए ना कितें पानी चलता होवे दरिया नदी दी, बड़ी ठंड लगती उत्थे, फिर कपड़े धोने हाथ ठर जांदे ने, माइयां नूं पता पैणा ना ठंडे पानी। हुण तां प्रबंध बड़े ने, कपड़े भी धोने गर्म पानी नाल, भांडे भी गर्म पानी नाल, बड़े साधन आ गए ना। पर उदों ठंडा पानी, अद्धी रात जाग के कपड़े धोते, सिख्या इस तरह मैं लाणी है। जदों गुरता गद्दी ते बह गए, एवें कपड़े धोने ने मैले जीवां दी, फिर कतराई नहीं करनी, ना रात ना दिन वेखना, ए लुकाई की सेवा करनी। नाले प्रीख्या लै रहे ने, नाले कृपा कर रहे ने, धन गुरु नानक देव महाराज। फिर कहिंदे एक दिन गुरु नानक देव महाराज जी अमृत वेले की वार्ता, एक बजे लगभग महाराज, डेढ़ बजे दो बजे इनान करते, सियाल की रुत्त पोह का महीना, महाराज विच बड़े रावी दे चुब्बा मार के विच किन्ना चिर रहे सच्चे पातशाह। महाराज की प्रीख्या सी, कसौटी सी, उधर मीह पैन लग गया, मीह दे विच गड़े पैन लग गए,
गड़े। भाई लैणा ते होर सिख सी नाल, वो दूजे सिख सी जिहड़े ओले हो गए दरख्त दे नाल लग गए। कहिंदे बाबा बुढ़ा जी भी सी नाल, ओले हो गए दरख्त दे। भाई लैणा जी बस्तर फड़ के उत्थे बैठे ने, कहिंदे इन्ने गड़े पए कहिंदे उपर तक हो गए गड़े। महाराज बाहर आए, पुछदे ने भाई लैणा जी तुसी ओले ना होए, किसे दरख्त दे हेठ ना गए तुसी। महाराज सानू तुहाडे दरख्त रूपी शान की लोड़ है, होर दुनिया च किसे दरख्त की लोड़ नहीं, सारा साढ़े सारा कुछ तुसी हो, होर दी लोड़ नहीं सानू है। साडा मनोरथ तुहाडे ते है, साडा अर्थ तुहाडे ते है। इस करके ये भी प्रीख्या चो पास हो गए। फिर कहिंदे एक दिन सूरज बड़ा चढ़िया, बड़ी धुप ज्यादा तेज हुंदी ना हाड़ दे महीने च, किन्नी हुंदी जेठ दे महीने च धुप। अगे खड़ गए भाई लैणा जी, महाराज इंज बैठे जां खड़े सी सच्चे पातशाह अपने ध्यान, किन्ना चिर सूरज वल मुख कर लिया ते अपने ते धुप लई गए। आप आखांगे ते बड़ा बड़ा ही सिंपल है, जदों जेठ हाड़ दे महीने होणगे ना उदों दो चार घंटे खड़ के वेखियो बाहर निकल गए, फिर पता लगता भी किन्ना कु सौखा है। ये भी प्रीख्या दे विच पास होए। कह लेंगे फिर एक दिन बाबा बुढ़ा जी खूह गेड़ रहे सी, खूह बल्द ला के पानी कढ़ रहे, उत्थे च बच्चा बनाया सी ते महाराज नूं विच बिठा के ते भाई लैणा जी इशनान करा रहे सी, इशनान करा रहे सी। अमृत वेल का टाइम है तो महाराज पुछते ने उच्ची आवाज दे के, किन्ने पैर रात गई? महाराज बाबा बुढ़ा जी कहते ढाई पैर रात गई, सवा पैर का डेढ़ पैर का दिन रह गया, चार पैर की होंगी ना रात, ढाई पैर गुजर गई। महाराज भाई लैणा ने पुछते ने, भाई लैणा ते सतसंग जी, भाई लैणा जी कहिंदे महाराज जिन्नी गुजारी उन्नी गुजर गई, जिन्नी बचाई जे उन्नी बच गई, जिन्नी गुजारी उन्नी गुजर गई, जिन्नी रखी जे उन्नी रह गई। इहनू कहिंदे ने हुक्म, गुरु दा हरेक हुक्म। ना जी एवें दी गल ना सुनायो, किवें दी ना सुनायो, रहत ना मन दस्सियो। जो पंजा प्यारे ने हुक्म लाया वह ना दस्यो, जो सिखां दा सिद्धांत है वह ना दस्यो। गुरद्वारा कहिंदा है मनमतियां दा, गुरद्वारा गुरु नानक दा होवे गुरु गोबिंद सिंह दा, ते गुरु नानक दे सिद्धांत ना दसे जाण, ये तां लेखा देना पैना बड़ा भारी उहनूं। फिर अपना नहीं तुहाडा नहीं गुरद्वारा बना के वेलो, चार दिन कौन जांदा है? ये गुरु नानक दा घर है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा, किसे दा नहीं है। इत्थे गुरु नानक दी गल होनी चाहिए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज, इत्थे अरदास गुरु नानक दी होनी चाहिए है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी, सिंघां दी शहीदां दी, होर किसे दी अरदास गुरु नानक दे अगे नहीं होनी चाहिए। जिन्हां तो महाराज 70 साल प्रचार कर करके रोकते रहे, सिख कहिंदे कोई नहीं कर लेनी चाहिए। 70 साल महाराज ने प्रचार किया, असी की मुल पाया? जे नहीं बचन मनना ना मनो, महाराज का सिद्धांत ना तोड़ो। पंजवें पातशाह ने किन्ना चिर गुरबाणी का प्रचार किया, कहिंदे जी कर लेनी चाहिए, पढ़ो तो सही गुरु का इतिहास, कि गुरु के खिलाफ जा रहे हैं आप, विरोध च खड़े हैं गुरु नानक दे। ऐ ना करो भाई, नहीं मनना वक्री गल है, पर महाराज के सिद्धांत समझ लिया करो जी। ये सिद्धांत के अनुकूल है, गुरु की मर्यादा के अनुकूल है, नहीं तो पापा के भागी ना बने। कोई लख मने जिन्हों मर्जी मने, जेड़े मर्जी मुरशद नू मने, जेड़े मर्जी धर्म नू मने, महाराज ने किसी धर्म नू माड़ा नहीं किया। तो जदों सिख धर्म की मर्यादा आवे उदों फिर कतराई ना करो। कई ग्रंथी विचारे तो ही भी जे असी ना करती तो सानू कहणगे छुट्टी करो, इहो दी छुट्टी कल नू करनी जदों मर्जी करनी। गुरु वल्लों बेमुख तो ना होवांगे, अगे नरक च थां तां नहीं मिलनी जे गुरु वल्लों बेमुख हो गए। माया दे चार छिलड़ जदों मर्जी गुरु दे सकदा,
अद्धे उत्थे पाठ नहीं किया, उत्थे पाठ नहीं किया, चलो जी नहीं भाई उन्दे च असीं भी देणदार बणांगे गुरु दे लेखा। पुछो मर्यादा च है, नहीं मर्यादा च नहीं ना मनो, असी पाप नहीं चढ़ाउणा अपने सिर। असी कोई जग कर रहे हैं, कोई लंगर ला रहे हैं, असी भले वास्ते ला रहे हैं, ना कि पाप नहीं लेना सिर ते। मर्द लेखा देना पैंदा है। सच्चा पातशाह मैनू तुहाडे बिना कोई नहीं दिसदा भाई लैणा जी, कहिंदे जिवें तुहाडा हुक्म। जिन्नी कु रात गुजारी उन्नी कु गुजर गई, जिन्नी कु रखी जे उन्नी रह गई। ते कहिंदे 5 मिनट रुक जाइओ सतसंग जी, समाप्ति करदे आ। हुण विचार सिरे ते पहुँच गई सारी, पर बच्चे ने जिन्हां दे छोटे उह जा सकदे ने, ज्यादा बंदश नहीं किसे नूं, किहनूं मजबूरी होवे उह जा सकदा भाई। गुरु की देख नूं तां ही पहलां भोग लवाया, वह भोग लै के जा सकदा, ज्यादा बंदश नहीं है। इस करके सतसंग जी भाई लैणा जी कहिंदे महाराज सत बचन जिन्नी कु। इतों तक भी विचार मिली, कहिंदे एक दिन अद्धी रात सी, महाराज कहिंदे दिन चढ़ गया है। हाँ महाराज दिन चढ़ गया, जे तुसी दिन चढ़ाया तो दिन चढ़ गया। एवें दा बचन महाराज का जीवन च एक माया। कहन तो भाव सतसंग जी गुरु का बचन, किसी भी मुरशद नूं गुरु धारो, गुरु का बचन सत करके। सारे धर्म चंगे ने, पर अपने धर्म की मर्यादा सत करके। सानू तो हुक्म है गुरु साहब का, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई पलवन। गुरु महाराज ने कहा सत बचन महाराज। इस करके सतसंग जी जिन्हां दी बाबत लिखिया है, पए कबूल खसम नाल जां काल मर्दी काली। बलवंड जी ने लिखिया ना वार, रामकली दी वार विच, कहिंदे ऐसी काल घालणी गुरु नानक दे घर च कबूल होगी भाई लैणा दी। ते अगे कहिंदे जां काल मर्दी काली, मर्दां वाली काल काली भाई लैणा जी ने। ते इस करके सतसंग जी अगे फिर होर भी महाराज ने प्रीख्या ली भाई लैणा जी तो। कहन लगे एक दिन प्रीख्या की, पुछया मुठ्ठी विच, जदों कई ने किया शंका रिश्तेदारी बरादरी ने, भी गद्दी क्यों दे रहे हो भाई लैणे, पुत्रां दा उजर है तुसीं गद्दी क्यों दे रहे हो। कहन लगे कोई नहीं गद्दी दे दांगे, दसन भी साडी मुठ्ठी च की है। महाराज ने सामने एक पैसा चुकया, भाई सतबीर सिंह जी ले दे, ऐ मुठ्ठी च लै लिया। तो महाराज साहबजादे कहिंदे एक पैसा भाई लैणा तू दस साडी मुठ्ठी विच। महाराज ज्ञान, महाराज ब्रह्म ज्ञानता, महाराज 9 निधियां, महाराज 18 सिद्धियां तुहाडी मुठ्ठी विच। जे तुहाडी मुठ्ठी खुल जे फिर रब दे दर्शन प्रतख हो जांदे ने। इन्नी पहुँच गई, इन्नी अवस्था हो गई, ऐ गद्दी नहीं देती। नाले महाराज ने कहा सी ये तां काल पुरख वल्लों सी, इन्हां नूं गद्दी कुरता गद्दी। खैर ये दिन आ गया लास्ट प्रीख्या दा। महाराज ने ना वेस होर ही बना लिया, पुराने जे कपड़े महाराज ने पाटे जे, इस तरह कई 10 दिन पाले महाराज ने, होर ही धानकाना रूप बना लिया, मगर कुत्ते ला ले महाराज ने। मगर मैं कुत्ते अगे आप मसाणा वाल नूं तुर गए महाराज, मसाणा वाल जंगल बियाबान। लास्ट प्रीख्या सी, मगर संगत भी आ गई सारी। महाराज ने माया सट्टी आकाश चों, कहिंदे जिन्हां नूं माया सी माया लैके तुर गए। अगे जाके महाराज ने चांदी सट्टी, चांदी लैके कोई मुड़ गए, सोना सट्टा। इत्थों तक लिखिया हीरे जवाहरात महाराज ने सट्टे, जिन्हां नूं लोड़ सी उह लैके तुर गए। रह गए 3 सिख, भाई लैणा जी, बाबा बुढ़ा जी, ते एक भाई दुनी चंद दा भी ना आया। ये 3 सिख अगे जाके महाराज ने कुत्ता मगर लाया, जेडे होर गुरसिख वह भी भज गए। फिर जो ये 3 रह गए, फिर महाराज हाथ च डंडा सी जिन्हों कुदका लिखे, महाराज ने दुनी चंद नूं मारिया।
बस खांदा गया पिछा भज गया, वो भी भज गया पिछे। बाबा बुढ़ा जी कहिंदे ओले हो गए दरख्त दे, भाई सतबीर सिंह जी लेंदे अगे भाई लैना, सारे तुर गए ने तुसी नहीं गए, कुद के भी खादे तुसी नहीं गए। महाराज जिन्हां दा टिकाणा सी, टिकाने वाले तुर गए ने टिकाणिया च, मेरा तो टिकाणा ही कोई नहीं तुहाडे तों बिना, जावां कित्थे। महाराज कहिंदे टिकाणा मैं भी, मेरा भी कोई नहीं, मैं भी टिकाने की भाल करदा सी, ऐसा टिकाणा मिले जिंदे विच अपनी जोत टिका दां। टिकाने की भाल तो मैं भी करदा सी, अज वह लहने के रूप में टिकाणा मिल गया। सारे संसार नूं सोध के तेरा टिकाणा मिलिया शरीर का, जिथे असी दूजी जोत जगानी है वासा करना विच। हुण लास्ट प्रीख्या कहणगे चिखा लगी मुरदा पिया, कहिंदे मुरदा खाओ। बाबा उड्डा जी ओले हो गए सी कहिंदे दरखत दे, ते कहिंदे भाई लैणा जी परिक्रमा करी जांदे घुम्मियां। महाराज कहिंदे खाण वास्ते क्या है, हाँ महाराज आग्या तां दो, किधरों खावां, पैर आले पासे कि सिर आले। महाराज कहिंदे सिर आले पासे। जदों कपड़ा चुकिया कड़ा प्रशादी देग, कड़ा प्रशादी देग, उदों फिर साध सिंह जी ये 12 सितंबर 1539 1532 आए, 7 साल सेवा की, अपना आप त्याग के गुरु का हुक्म मन के 7 साल। फिर महाराज ने गुरता गद्दी दिती, भाई बाबा बुढ़ा जी ने तिलक लाया, दूजे गुरु संसार ते प्रगट हो गए, गुरु अंगद देव महाराज। अज तो इन्हों का हुक्म संगत ने मनना है, तो बेनती करते हुक्म करता कि तुसी इत्थे नहीं रहना, तुसी हुण खंडूर साहब रहना, पता सी आने वाले समय का। उस तो बाद महाराज कहिंदे ने 4 महीने रहे, 4 महीने धन गुरु नानक देव महाराज जो गद्दी देण तो बाद 4 महीने। कई कहिंदे उवें मनदे सी मारन, मारन उवें मनदी सी संगत, पार ब्रह्म परमेश्वर कोई फर्क नहीं। फिर जदों अज वाला दिन आया, अमृत वेला सी, सच्चे पातशाह ने पहला तुखारी राग दे शब्द पढ़े, आउंदा ना 12वां तुखारी, फिर आपां सुहेला साहब पढ़दे जय कर कीर्त, आ पढ़िया महाराज आरती दे शब्द पढ़िया, गगन में थाल रव चंद दीपक बने। फिर महाराज ने लास्ट च श्लोक पढ़िया, लास्ट श्लोक हुंदा समाप्ति, भी सारी समाप्ति होगी। श्लोक पढ़िया पवन गुरु पाणी पिता, पढ़ते गए तो चादर उपर लेंदे गए, सचखंड प्याना कर गए। हिंदू प्यार जिन्ना करते उन्हां नाल ज़्यादा मुसलमान वीर प्यार करते। महाराज का मुसलमाना नाल बड़ा प्यार, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बड़ा प्यार है, भावें साहबजादे नूं मुसलमाना ने चिणिया नीहां दे विच, पर महाराज ने सारे मुसलमाना नूं माड़ा नहीं किया, उन्होंने गलती की उन्हां नूं सज़ा मिलेगी, सारिआं नूं नहीं। मलेरकोटले वाले नूं कहा सदा ही जय जयकार, दुनिया ते बड़े वादे घटे आउणगे पर तेरे मलेरकोटले नूं आंच नहीं, अज तक नहीं आई आंच। संडौरे वाला पीर, पीर बुद्धू शाह, गनी खां, नबी खां, किड्डे किड्डे पहुंचे पीर, पीर भिखम शाह। मुसलमानां नाल विरोध नहीं महाराज, जुल्म नाल विरोध सी, प्यार ही बड़ा सी उन्हां दा महाराज दे नाल, बहुत। वो फिर आप च झगड़ा शुरू हो गया, कहिंदे जदों महाराज दा शरीर, महाराज का शरीर देखिया, महाराज का शरीर नहीं उन्होंने मिलया, कई ने कहा फुल फरोले गए कुछ नहीं मिलया, एक चिट्टी चादर तो बगैर। परमेश्वर ना जमदा ना मरदा, गुरु नानक का जिदन प्रकाश होया सी प्रकाश ही होया सी, दौलता दाई नूं उदों पता लग्या है प्रकाश हो गया, जिदन मर गए ने शरीर समय सने शरीर समेत कुछ भी नहीं, चिट्टी चादर, चादर वंडी गई कहिंदे, परमेश्वर वंडिया नहीं जांदा। खुदा कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, एक है। अल्लाह कहांगे तां वी रब दा नां, खुदा कहांगे तां वी रब दा नां है, हाँ जी भगवान कहांगे, ईश्वर वाहिगुरु तां वी रब दा नां है। महाराज ने एक कीता सी, जोड़िया सी, पर इंसान ने इंसानां नूं वंडता, उन्हां ने उत्थे चादर पाड़ी अद्धी अद्धी कीती, कई इतिहासकारां ने भी दस्सिया मुसलमानों ने लै ली, हिंदुओं ने लै ली,
अकाल पुरख नूं नहीं मंजूर सी, धन गुरु नानक नूं मारन नूं नहीं मंजूर सी। उन्हां ने एक ने मकबरा बना लिया, एक ने समाध बना ली, कबर बना ली मुसलमानां, एक पासे मुसलमानां ने थां बना ली, एक पासे हिंदुआं ने बना ली। मारन नूं मंजूर नहीं सी, राह वी चढ़ के आउंदी सी, सारा साफ कर दिंदी, फिर बनाउंदे सी चढ़ के। 18 साल रावी चढ़ के आउंदी रही ते साफ करदी रही 18 साल। इस करके सतसंग जी महाराज ने मंजूर नहीं सी, महाराज ने सारिआं नूं इक कीता होया, हिंदू मुसलमान सारिआं सभना जीआं का इक दाता, सो मैं विसरना। निंदिआ नहीं कीती किसी धर्म की, हाँ सिक्ख्या दित्ती, किते ऊणताई सी, किते घाटवाद सी, उन्हां नूं प्रेरित कीता। मार मक्के नूं माड़ा नहीं किया, हरिद्वार नूं माड़ा नहीं किया, गए नूं उत्थे जगन्नाथपुरी मंदिर च जाके आरती कीती, माड़ा नहीं किया, पर सीख दे के आए उन्होंने। मक्के च कह के आए खुदा सारे पासे, हरिद्वार कह के आए, ये की कर दे तुसी, परमेश्वर की बंदगी करो, कर्म कांड ना करो। इस करके गुरु नानक ने किसी धर्म का निरादर नहीं किया। अज आप भी कथाकार किसी धर्म को गलत नहीं कह सकते, किसी की भावना असी अपना प्रचार करके महाराज के घर नाल जोड़ सकते हैं, पर किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगले की चेष्ट है, अगले की भावना है, सारे चंगे ने, सत्कारयोग ने धर्म, पर गुरु नानक देव महाराज सर्वोत्तम पंथ है। धन गुरु नानक देव महाराज का, जिन्हें राह ते चल के ये लोग सुखी है, परलोक सवेले नानक कर प्रभापे मेले। बेनती प्रकार दियाँ भुलां गलतियां हो गई होणगियां, संगत ने बड़ा ही प्यार का सबूत दिता है। अज बहुत समा लग गया, भावें 5:30 कथा कर समाप्ति, पर अज तुहाडे 20-25 मिनट होर लेखे च पै गए ने, माफ़ी दे दिओ। इस करके एक खुशी भी है, तुसी बचना की पालना भी करते, जिहड़ी बेनती करते हैं, क्या सी भी 5-7 मिनट बेहो, तो संगत ने बड़ा श्रद्धा का सबूत दिता है। ये तुसी गुरु नानक दे प्यार विच बैठे हो, आम बंदे दे भोग ते गई होए ना, नहीं उठ के नहीं जाना, होंदी है ना मन दे विच भोग पाए ते जाना। अज महाराज दा ज्योति ज्योति दिहाड़ा है, तो बड़े प्रेम का सबूत दिता, तुसी बैठे हो प्रेम नाल, गुरु नानक दे चरणा च हाजरी लगी है तुहाडी, ते गुरु नानक सदीव काल तुहाडे बच्चियां ते सदा मेर प्रयात रखे, तुहाडे परिवारां ते सानू बाणी नाल, सिमर नाल, नाम नाल जोड़ के रखे। जिथे परिवारां दी चढ़दी कला, उत्थे सारे नगर जुलमत दी महाराज चढ़दी कला बख्शन, होईआं भुल्लां दी माफ़ी जी। सलोक पढ़ के समाप्ति, महाराज ने वक्ति अंत सलोक पढ़िया, ते नाल दी नाल आपां मत्था टेक के फिर जाणा। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता, दिवस रात दोए दाई दाया खेल, चंगे आईया बुरिया आईया वाच, करमी आपो अपनी के नेड़, जिने नाम त्याया गए मसकत, नानक ते मुख उजले केती। बोलो वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह।